आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए काफी काम आने वाला है जिनका आधार कार्ड खो गया है या उनके पास कोई भी डिटेल्स नहीं है, या फिर आपने अपने आधार कार्ड का इनरोलमेंट कराया है या कराने के बाद जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है आपको नहीं पता है, तो किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं वो भी अपने नाम के जरिए। तो आप सभी को आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पे आ जाना है और यहाँ पे आप सभी को माई आधार के सेक्शन में आना है। इसमें जो आधार सर्विस की टाइप दी गई है इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगेटन ईआईडी एंड यूआईडी, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया है तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक आधार नंबर और इनरोलमेंट आईडी। तो हमें चाहिए यहाँ पे आधार नंबर, तो हम यहाँ पे अपना नाम एंटर करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे, या जीमेल होगा तो जीमेल भी एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे मोबाइल फोन पे एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है, उस वन टाइम पासवर्ड को ओटीपी को यहाँ पे हम फिल कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर आधार नंबर इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपका जो आधार नंबर है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है, आप वहाँ से अपने आधार नंबर से फिर से आप लॉग इन करके और यहाँ से डाउनलोड कर सकते। तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे उसका भी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखा देता हूँ। तो डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद तो आप यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे इंटर आधार और इंटर एवव कैप्चा, तो यहाँ पे आपका आधार नंबर इंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाता है और कैप्चा कोड जैसा है कैपिटल में है तो कैपिटल में फिल करेंगे और स्मॉल है तो स्मॉल में फिल करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इतना करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि आधार कार्ड का जो पोर्टल है उसमें हम लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पे जो हमारा आधार कार्ड है उसमें हम कोई भी करेक्शन करना है या कुछ अपडेट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड की प्रोफाइल को भी देख सकते हैं, फ्रंट और बैक को। और इसी के साथ में अगर हमें अपने आधार कार्ड की एक कॉपी डाउनलोड करना है तो हम इस डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड पर जो भी मौजूद डिटेल्स है वो हमारे सामने दिखाई जाती है, डिटेल्स को आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर आप अपने आधार कार्ड की मास्टर कॉपी चाहते हो कि जो कि प्राइवेसी रीजन की वजह से आधार नंबर नहीं शो करना चाहते हो तभी आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इसको अनटिक ही रहने देंगे। और उसके बाद आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप देखोगे कि हमने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है, जो हमारे आधार कार्ड की कॉपी है वो डाउनलोड हो चुका है। तो हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है, हम आपको आधार कार्ड ओपन करके भी दिखा देते हैं। तो जैसे ही आप अपना आधार कार्ड ओपन करेंगे तो आपके सामने पासवर्ड का ऑप्शन आएगा जिसमें आप सभी को अपने आधार कार्ड में जो नेम है उसका फर्स्ट 4 लेटर आपको यहाँ पे टाइप करना होता है कैपिटल में, और उसके बाद आपका जो बर्थ ईयर है उसको यहाँ पे टाइप करना होता है। तो चलिए हम अपना नेम और बर्थ ईयर टाइप कर देते हैं, तो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा आधार कार्ड आप देख सकते हैं कि ओपन हो चुका है। तो आप चाहो तो आप इसे प्रिंट करके कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं या प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो फॉरगेट कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।